आप तमाम नाज़रीन का एच के ए न्यूज़ में खैर मकदम है। आज 19 मई बरोज़ जुमेरात के रोज़ नामपल्ली हलके में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों 127 करोड़ 31 लाख की लागत से इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। नामपल्ली हलके के तमाम डिवीजन्स में ये तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में आया। सबसे पहला इफ्तिताह नामपल्ली हलके में गर्ल्स जूनियर कॉलेज की बिल्डिंग और उसका हॉस्टल अमल में लाया गया। उसके बाद रेड हिल्स मस्जिद आलमगीर में फैप्सी और नीलोफर हॉस्पिटल में फुट ओवर ब्रिज जो कि नए हॉस्पिटल से पुराने हॉस्पिटल के लिए मजलिस की नुमाइंदगी पर डाला गया। यानी जुमला 127 करोड़ 31 लाख की लागत से कई तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। इस मौके पर सदर मजलिस के अलावा नामपल्ली MLA जाफर हुसैन मेराज, साबिका मेयर माजिद हुसैन के अलावा मजलिस सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। आइए सुनते हैं मजीद तफसीलात MLA जाफर हुसैन मेराज की जुबानी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रहमत यहाँ चलिए सर, चलो सलमान आप एक बिना दे के फोटो ले लो। बाबर भाई मेरे साहब इधर आओ भाई, इधर आओ। अरे भाई इधर आओ, अपना सामने देखिए ना। भाई तो बढ़िया हो रहा है, सेट है। अरे जी भाई।